नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं प्रोफेसर एस बुंदेला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मेथोडोलॉजी प्रोफेसर, पेपर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सेशन फंक्शंस ऑफ होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग के कार्य, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। हमने पिछले सेशन में बात करी थी गृह विभाग के संगठन की, और अब हम बात कर रहे हैं गृह विभाग के कार्यों की। देखिए, राज्य प्रशासन में गृह विभाग, जितने भी विभाग होते हैं उन सभी में श्रेष्ठ माना जाता है। इस विभाग का मंत्री बड़ा ही अनुभवी और राजनीतिक पहुंच वाला होता है। यह कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे राज्य में बना रहता है। अतः यह अनेकों महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्यों को संपन्न करता है। गृह विभाग के प्रमुख कार्य और शक्तियों को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। इनमें सबसे पहला कार्य है राज्य की सुरक्षा, शांति और व्यवस्था संबंधित नीतियां बनाना और उन्हें लागू करवाना। दूसरा, अपने अधीन कार्यालयों तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण करना। तीसरा, आतंकवाद तथा अपराधों पर नियंत्रण रखना। चौथा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखना। और ये जो नियंत्रण है वो पुलिस विभाग के द्वारा रखा जाता है, जो कि गृह विभाग के अधीन काम करता है। राजभाषा और हथियार तथा विस्फोटक सामग्री संबंधित नियम भी बनाना, ये अगला कार्य। और इसके अलावा पुलिस कारागार आदि में कर्मचारियों का कल्याण करना। इसके अलावा अगला कार्य नज़रबंदी कानून लागू करना। और अगला कार्य विषैली वस्तुओं तथा खतरनाक दवाओं पर नियंत्रण रखना। इसके अलावा अगला नागरिकता, पासपोर्ट तथा प्रवासन मामले देखना। इसके अलावा राज्य की सीमा सुरक्षा तथा वहां सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना। इसके अलावा अगला कार्य बच्चों, महिलाओं तथा एससी एसटी और जितने भी असहाय कमज़ोर वर्ग वाले लोगों पर अत्याचार होता है उन सभी पर नियंत्रण करना। अगला कार्य प्राकृतिक तथा अन्य आपात स्थिति में समन्वय करना, अर्थात उन स्थितियों पर काबू पाना, इन्हीं का ही काम है। अगला कार्य परमवीर, महावीर चक्र और अशोक चक्र से संबंधित मामले देखना। अगला कार्य है मृत्युदंड तथा अन्य दंड आदेशों के मामले देखना। इसके अलावा अगला गृह विभाग के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले देखना। अगला हथियारों के लाइसेंस तथा नियंत्रण संबंधी कार्य देखना। अगला कार्य चरित्र सत्यापन संबंधी कार्य देखना। कई बार हम कंपटीशन में और दूसरे देशों में जाने पर चरित्र प्रमाण पत्र बनाया जाता है, उसका सत्यापन भी गृह विभाग के अधीन जो पुलिस विभाग है वही करता है। इसके अलावा अगला कार्य पुलिस सेवा तथा मेडल इत्यादि संबंधित मामलों को देखना। अगला आंतरिक सुरक्षा से संबंधित एजेंसियों तथा गुप्तचर तंत्र से तालमेल स्थापित करना। इसके अलावा अगला कार्य उपरोक्त जितने भी जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उन कार्यों के अलावा जितने भी अधिनियम हैं प्रमुख, जैसे पासपोर्ट अधिनियम, हथियार अधिनियम, पेट्रोलियम अधिनियम, उन सभी से संबंधित मामलों को देखना, अर्थात इसकी पालना हो रही कि नहीं हो रही है, इन सबको सुनिश्चित करना।
देखिए, इतने हमने काम देखे, इतने कार्य देखे, अगर निष्कर्ष निकालें तो वर्तमान समय में बढ़ते आतंकवाद, भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक अपराधीकरण इत्यादि ने गृह विभाग की भूमिका के समक्ष चुनौतियों को उत्पन्न कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। मानवाधिकार आयोगों ने भी, चाहे वो केंद्र स्तर का हो चाहे राज्य स्तर का, उन्होंने भी इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी है। मानवाधिकार को लेकर कई बार ये सामने आए, इसलिए भविष्य के मार्ग पर यह निरंतर चुनौतियों को विजित करने के लिए प्रयासरत है। देखते हैं आगे क्या होता है। यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं यह आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।